आगे बढ़ के इतना बड़ा आपको अवसर मिल रहा था कि आप आगे अपना जो भी करें, लेकिन जी 9 दिन के सरल उपाय के तहत अपने बच्चों को कम से कम अच्छा भारत देने के लिए तो आपको प्रयास करना ही चाहिए। मुझे जो प्रयास करना है सर, मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए और देश के लिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने इको सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक जी कुछ नहीं हो सकता है। जी सर, क्या आप इन्हीं नियम कानून के तहत अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे? क्या आपके राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी आपके ऊपर वही अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे उनको उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, क्या है लज्जा की बात नहीं है कि वही कानून हमारे ऊपर आज भी थोपे हुए हैं? नहीं, ये लज्जा की बात का तो विषय अलग हो गया सर। विषय ये है नहीं, कि हम ये मुख्य सबका, विषय है, इसी को आप झेल रहे हैं, इसी के तहत आप बंधे हुए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके लिए आप धरना दे रहे हैं वो किसी न किसी की विधिक जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। यह उसको, यह आज की सिस्टम की प्रॉब्लम है। वो इन राजनेताओं का चरण सेवक बन गया है और अपना काम नहीं कर रहा है। दैट इज नॉट ए गुड थिंग। आई नो सर, तो उसमें जो हम आपको कह रहे हैं, आप जो कुछ भी करें करते रहें, क्राइम फ्री भारत को जो है ना के तहत 9 दिवसीय जो उपचार है उसमें भी अपनी सहभागिता निभाएं। जो आपको इंडिपेंडेंट करने का लग रहा है वो करते रहिए आप, जिस पार्टी से जुड़ना है, कि लड़ना है, नहीं लड़ना है, लेकिन 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत पाने के लिए यदि आपकी सहभागिता हो सकती है और जोड़ने वालों में यदि आप 543 में आ जाएं तो आपका सांसद बनना तय, और यदि 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बनना तय। जी ये आपको कौन बना रहा है? पहले यदि तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट में करोड़ों रुपए लगेंगे, वे खर्च करेंगे जीतने में करोड़ों रुपए, फिर जो है ना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे। जबकि 9 दिन के इस सरल उपाय में यदि हमने सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों को जोड़ा तो निश्चित तौर पर जो है हम 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। केवल लोगों को जगाने की बात है। आज की व्यवस्था से तो हर कोई झेल रहा है। आप मुझे बताइए, क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? डेमोक्रेसी की तो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी हो गया है। आप जी और हमारे द्वारा चुनाव गया प्रतिनिधि हमको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, वो पार्टी का बंधुआ मजदूर हो गया है। उसकी उसकी औकात नहीं है कि वो पार्टी के हाई कमान के सामने अपनी बात कह सके। आप बताइए मृगानली जी, क्या कोई भी नेता अपने हाई कमान के खिलाफ कोई भी बात कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। तो सर, आपका चुना हुआ व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, वो पार्टी का बंधुआ मजदूर है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बढ़ के हमारे उसमें, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, साथ में हमारे साथ भी जुड़ जाइए। जो हम सरल उपाय बता रहे हैं कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे हर मैसेज में एक लिंक होती है, उससे मैन ग्रुप में जुड़ जाइए जिससे आप ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, आप उसमें मैसेज भी डाल रही हैं। उसमें ऐप को डाउनलोड करने का है, उसको क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसको शेयर कर लीजिए। उसमें टेलीग्राम ऐप के मैन उस ग्रुप से जुड़ने की भी जो है ना लिंक दी गई, उसे कॉपी करके सभी में शेयर कर लीजिए। जो आपके मुख्य मुख्य लोग हैं उनको फोन लगा के उनको लगा दीजिए। यदि वो जो है मेहनत कर लेंगे तो 543 में आ गए तो उनको सांसद का टिकट मिलना तय है और जीतना भी तय है। अरे यदि हम सोते रहे तो कुछ नहीं होगा। बस इतनी ही बात आपसे कहना थी, और आगे बात जो है ना, मैं कहीं पे पहुंच गया हूं तो आपसे बाकी बात बाद में करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।